हेलो फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके बालों के लिए इतनी ज़्यादा पावरफुल हेल्दी रेमेडी लेके आए हैं फ्रेंड्स कि इस रेमेडी को आप कंटिन्यू अप्लाई कर लेंगे तो आपके बालों की सभी समस्याएं दूर होंगी, आपके बाल बहुत ही सिल्की शाइनिंग और मजबूत होंगे और इतने स्पीड से बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं गारंटी से बोल रही हूँ क्योंकि ताज़ा एलोवेरा लीव्स लेना है तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेस्ट इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए रेमेडी बनाने स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि हमारी आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो वहां पे भी जाके फॉलो, लाइक, शेयर करें। वहां पे भी आपको नई नई रेमेडी और रेसिपीज़ देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आपको ले लेना है ताज़ा एलोवेरा। तो ताज़ा एलोवेरा लीव्स लेके उसको इस तरीके से कट करना है, इसका आपको जेल निकाल के तैयार करना है। ये एलोवेरा का जो ताज़ा आप इसको जेल को लगाएंगे तो आपके बालों में खुद रिजल्ट देख सकते हैं। आप कहीं पे भी इसको ट्राई ना करें तो आप इसको 15 दिन आपके आईब्रो पे लगा के देखिए, वहाँ पे आपके बाल इतने घने हो जाएंगे, मैं गारंटी से बोल रही हूँ। अगर बाल उग नहीं रहे तो वहाँ पे दोबारा से उगना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको भरोसा नहीं है तो आप वहाँ पे अप्लाई करके फिर बाद में अपने बालों पे अप्लाई करें तो फ्रेंड्स, मैं गारंटी से बोल रही हूँ ये बालों में बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट लेके आता है ये। और अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा पतले हैं तो उनको भी बहुत ही अच्छे से मोटा बनाता है ये, बालों की जड़ों को मजबूत करता है। और हो सके तो ताज़ा एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा जेल ही लेना है आपको। नहीं मिले तो आपको मार्केट वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, बेस्ट रिजल्ट आपको इसी में मिलेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको जेल को निकाल के तैयार कर लेना है। और बहुत ही आसान तरीके से जेल निकल के तैयार हो जाता है। इस तरीके से कोई भी चम्मच की सहायता से आप इसको निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है ये। क्योंकि थोड़ा सा ये बहुत ही ज़्यादा स्लिप मारता है हाथों पे तो ये अच्छे से निकल नहीं पाता है, जेल है जो इसका। और बिल्कुल आसानी से अब इस तरीके से निकाल के आप इसको बहुत ही अच्छे से इसको स्टोर करके रख सकते हैं। आप एक बार निकाल के भी इसको रख सकते हैं अगर आपके पास ताज़ा एलोवेरा है तो। आप इसको जब भी बाल धोएं उसके पहले इसको अप्लाई करें। और आप इस रेमेडी को हो सके तो रात को लगा के सोएं, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आपको समझ में आएंगे, मैं गारंटी से बोल रही हूँ। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आप इस रेमेडी को अप्लाई करेंगे और आपको कोई भी फ़ायदा समझ में नहीं आएगा। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है ये रेमेडी, आपके बालों को दोबारा से रीग्रोथ का काम करेगी, स्टार्ट कर देगी आपके बालों को उगाना, ये इतना ज़्यादा हेल्दी बना देगी, थिक बना देगी ये, और स्पीड से लॉन्ग कर देगी बालों को बढ़ाना, स्पीड से काम करता है ये जो एलोवेरा है जो। तो ये जेल हमारा निकल के तैयार हो गया, आप देख सकते हैं कितना सारा इसमें जेल निकल चुका है। तो चलिए अब एक ले लेंगे मिक्सी का जार, उसमें इसको डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, बिल्कुल इसको पीस के तैयार करना है अच्छे से इसको बारीक इसका जेल को, और फिर आप डायरेक्ट इसके बालों में अप्लाई करें। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इसमें इतना ज़्यादा बालों में सिल्कीनेस आएगी, आप खुद इसका रिजल्ट देख के चौंक जाएंगे, इतने बालों की लेंथ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी चीज़ इसमें ऐड कर दी हमने, चीनी ऐड कर दिए हैं। तो चीनी हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करती है, हमारे बालों में बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है ये। तीसरी चीज़ इसमें ऐड कर देंगे विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई का कैप्सूल तो भी आपको मालूम होगा कितने ज़्यादा फायदा करता है हमारे बालों के लिए, बहुत ही ज़्यादा मदद करता है ये। तो अब इसको पीस के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पीस के तैयार हो चुका है। तो अब इसको डायरेक्ट आप अप्लाई करें, इतना ज़्यादा फायदा करने वाला है ये। आपको नहाने से 15 मिनट या कम से कम इसको 20 मिनट के लिए भी आप लगा सकते हैं, नहीं टाइम है तो। और फ्रेंड्स, आपके नहाने के पहले अगर आपको टाइम नहीं है तो फ्रेंड्स मैं यकीन से बोल रही हूँ इसको आपको रात को लगा के सो जाना है, इसमें कोई भी आपके बालों में साइड इफेक्ट नहीं होगा। आपके बालों को दिन दुगना रात चौगुना ही आपको बालों की लेंथ को बढ़ाने में मदद करेगा और आपके बालों को उगाने का काम करेगा। तो आप इसको हफ्ते में कम से कम आप इसको 2 से 3 बार ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपके बालों को आप भी बहुत ही हेल्दी बहुत ही लॉन्ग देखना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है ये। तो इसी तरीके से आप ये रेमेडी को बना के ट्राई करें। तो अब इसको रेमेडी को बना लिए, अब इसमें ऐड कर देंगे ओले ऑयल, जैतून का तेल। तो ये हमारे बालों को बहुत ही मजबूती देता है, हमारे बालों को बहुत ही सिल्की बनाता है और हमारे बालों को झड़ते हुए बालों को बिल्कुल कंट्रोल करता है ये। तो ये रेमेडी इतनी ज़्यादा पावरफुल बनके तैयार हो गई, इसको रात को लगा के सो जाना है। आप रात को लगा के सोएंगे, सुबह आपके बालों को धोएंगे तो आप देखना खुद उसका रिजल्ट कितना ज़्यादा गजब का रिजल्ट आएगा।
और आप इसको कंटिन्यू कम से कम 1 महीने लगा कर आपको इसको लगा कर इसको आप अप्लाई करना है और आप इसका रिजल्ट देखना है, फिर आप हमारे को कमेंट में ज़रूर बताएं। आप इसको कंटिन्यू 1 महीने लगा के देखिए, ना रिजल्ट आए तो फिर बताना, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रेमेडी है फ्रेंड्स ये। तो इसको तेल को अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करके अपने बालों में अप्लाई कर लेना। आपको तुरंत में अप्लाई करना है, इसको रखने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि ज़्यादा टाइम इसको रखना नहीं है, डायरेक्ट इसी टाइम आपके बालों में अप्लाई करें तो आपके बाल इतने सिल्की होंगे, लॉन्ग होंगे, बहुत ही ज़्यादा शाइन मारेंगे आपके बाल है जो, और इतने ज़्यादा बाल उगना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कुछ ही टाइम में बालों को उगाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है ये। तो वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन को भी अभी तक आपने प्रेस नहीं किया तो उसको भी प्रेस करें, जो भी हमारे आने वाले वीडियो हैं तो आप तक पहुंच सके। और आपने अभी तक हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी जाके फॉलो करें। तो आज के लिए इतने थे।